अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शहजाद और आप देख रहे हैं एस पी टेक। आज हम बात करते हैं वन प्लस नोट की। बेसिकली वन प्लस नोट ने एक स्टेप बैकवर्ड लिया है अब रिसेंटली, और जैसे कि बहुत सारी कंपनीज लाइक शाओमी, वीवो, रियलमी और ओप्पो और बाकी भी नोड बहुत सारी ने, कंपनी वन जो हैं प्लस ने वो भी एक अपने बैक मिड रेंज फ्लैगशिप लॉन्च बैकवर्ड करी स्टेप है। लेके अपना वन प्लस नोट इंट्रोड्यूस कराया कि वो कंपीट कर सके, क्योंकि ये सारी जो कंपनीज़ हैं इस वक्त जो बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के फ्लैगशिप मोबाइल्स बट वेरी इकोनॉमिकल रेंज में वो लॉन्च कर रही हैं। और ये भी है कि साथ साथ वो फीचर्स भी उन इकोनॉमिकल रेंज में ही बेस्ट दे रही हैं। अगर हम शाओमी की बात करें तो बेस्ट बैटरी, बेस्ट प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वगैरह का वो एक बेहतरीन किस्म का फीचर पैक्ड फ़ोन निकालता है, और साथ ही जो है उसकी प्राइस रेंज कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज़ करके अगर थोड़ी सी हुआवे की अपना बात प्रॉफिट करें तो वो मार्जिन भी थोड़ा लेवल सा सा एक एक स्टेप स्टेप बैक बैक वो पे ही है। आया हुआ है। इसी हाँ तरह ये तो रियल है। मी की बात करें तो उसने भी अभी X3 वगैरह लॉन्च किया है, और जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर पैक्ड फ़ोन है उसके बारे में हम रिव्यू नेक्स्ट एक अपनी वीडियो में करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसने 12 GB और 256 GB रोम जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का 75 और 70,000 की इसी प्राइस तरह रेंज। इन्होंने शाओमी किया ने है। अपना MI Note 10 Lite निकाला है जो कि 63 की रेंज में। इसी तरह जो ओप्पो है उसने भी अपना F3 Pro, F4 Pro वगैरह निकालना शुरू किया है जो कि 60 की रेंज में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पेक्स के साथ तो मिल जाता बेसिकली है। ये सारी एक हिस्ट्री और सिनेरियो बन गया है कि वन प्लस नोट भी अपना एक कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ोन निकालता, लेकिन उसकी जो रेंज है वो इतनी यूज़र के एक्सेसिबल हो कि वो इनके साथ कंपेयर कर सके उसके फीचर्स का भी और उसके प्राइस रेंज तो का भी। इसलिए वन प्लस ने अपना ये रिसेंटली मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है दैट गोज़ विद द नेम ऑफ वन प्लस नोट। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो इसके सेलेंट फीचर्स हैं, जो हाइलाइटेड फीचर्स हैं जो वन प्लस नोट जिसके ऊपर प्राइड लेता है, वो ये है कि इस पर 4-4 इंचज़ की स्क्रीन है, कैमरा डबल उन्होंने दे दिया है दैट फॉर्म्स अ बार, छोटी सी एक बार बना और दर। इसके बाद अगर आप उसकी बैटरी की बात करें तो 4115 mAh की उसकी उसमें इसमें बैटरी लगाई है, और 6 to 12 GB का वेरियंट्स आते हैं, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 12 है। तो ये आपकी प्राइस रेंज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट कितने में लेना चाहते हैं। और इसका जो रियर कैमरा है वो उन्होंने इसमें 48 MP रखा है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बॉडी की और इसकी जो है बिल्ड की और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी में सबसे पहले जो है वो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर इन्होंने डायमेंशंस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डायमेंशंस दिए हैं, जो कि आजकल के फ़ोन्स जितने भी आ रहे हैं उनमें यूज़र हर कोई यही सिलेक्ट करता है कि उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ोन मिले जो स्लीक भी हो, स्टाइलिश भी हो, और उसकी लुक्स भी बहुत ग्लैमरस और ऑफिशियल हो, एलिगेंट सी लुक्स हो। तो इसकी लुक्स वाइज जो इसकी डायमेंशन हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, 6.3 × 2.89 × 0.32 इंचज़ की इसकी डायमेंशन हैं, जो कि बहुत स्लिम बना देती हैं इसको, और इसकी लुक्स जो हैं वो एलिगेंट फील हो जाती हैं। इसके बाद जो इसका वेट है दैट इज़ 184 ग्राम्स, और इसके फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, और इसका जो फ्रेम है वो इन्होंने इकोनॉमिकल करने के लिए इसको प्लास्टिक फ्रेम दे दिया है। इसके बाद इसमें डुअल सिम है और डुअल स्टैंड बाय है, लेकिन इसमें जो एक थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़र हैं तो इसमें कोई डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं है। इसके बाद इसका जो डिस्प्ले है दैट इज़ फ्लूइड एमोलेड, यानी कि एमोलेड जो अब जितने भी आपके फ्लैगशिप्स वगैरह आ रहे हैं तो वो एमोलेड डिस्प्ले ही यूज़ करते हैं। इसी तरह जो इसकी रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1080 × 2400 पिक्सल्स, जो कि 20:9 की रेशियो है, और उसके साथ ही आप में आपको इसमें 86.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाती है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंप्रेसिव स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर जो है वो बेजललेस ही फ़ोन पसंद करते हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि लेनोवो ने एक अपना जो फ़ोन लॉन्च किया था बहुत पहले, उसके मुकाबले में एक जेन फोन असूस ने लॉन्च किया है 7 Pro, और उसमें उसने टोटली जो है एक बेजल लेस जो है फ्रंट का डिस्प्ले दिया है। इसी तरह बेजल लेस की पॉपुलैरिटी आप इससे भी मतलब गेन कर सकते हैं कि रिसेंटली जो फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं वो उसके अंदर इन डिस्प्ले कैमरा भी दे दिया है उन्होंने। तो उस इन डिस्प्ले कैमरा पे हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की नई डिटेल्ड वीडियो बताएंगे कि जो जो मोबाइल वगैरह आपके आ रहे हैं
और उसमें इन डिस्प्ले किस किस में आ रहा है और उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, किस किस तरह की जो है वो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस वगैरह करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है आपको इसके अंदर 90 हर्ट्ज़ का एक रिफ़्रेश रेट भी मिल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके जो डिस्प्ले है और इसकी जो लुक्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देती हैं। इसी तरह इसका जो यूजेज है उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं। इसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो है दैट इज़ बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है ऑक्सीजन ओएस 10.5.4 और वो बेस करता है आपके एंड्रॉयड 10 पे। क्वालकम स्नैपड्रैगन 765 का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है और इसके अंदर GPU जो है दैट इज़ एड्रीनो 620, जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एड्रीनो है का GPU है। क्योंकि इसके साथ ही अगर आप फ्लैगशिप डिवाइसेस जो मिड रेंज में आती हैं अगर आप मैयर करें उसके साथ MI Note 10 Lite या जो जितनी भी सारी हैं, तो उसके अंदर जो इस वक्त GPU लगा हुआ है दैट इज़ 618। और बेसिकली इसकी जो लुक्स हैं वो लुक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमाल है, वो थोड़ी सी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सारे इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो क्वाड कैम है जो आपके रेयर पे आप उसको देख सकते हैं दैट इज़ 48 मेगापिक्सल, और उसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैम दिया हुआ है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है और इसी तरह 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप मतलब अगर देखें तो MI Note 10 Lite और बाकी जो फ़ोन्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा इससे जो है नंबर ले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो 8 मेगापिक्सल और 5 है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, या तो एटलीस्ट 20 और 16 होना चाहिए था या 20 और 12 होना चाहिए था, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड रेंज बिकॉज इस प्राइस रेंज में ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मिड रेंज फ्लैगशिप आपका बन जाता है। और स्टिल इन डेप्थ सेंसर्स के साथ भी 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैम जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता है, कि इसके डुअल LED के साथ ये 40K की रिकॉर्डिंग करता है एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, और 1080p और 720p की जो रिकॉर्डिंग ये करता है वो 30, 60 और 120 फ्रेम्स पर सेकेंड के साथ ये रिकॉर्डिंग करता है। तो इसके बाद जो अगर आप इसके सेल्फ़ी कैम की बात करें तो इसके अंदर सेल्फ़ी कैम इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन है, और आजकल जितने भी मोबाइल वगैरह आते हैं उनकी मैक्सिमम कोशिश है कि अब सेल्फ़ी कैम की तरफ भी, उससे पहले रेयर कैम की तरफ बहुत वो तवज्जो दे रहे थे और कंसंट्रेशन दे रहे थे, लेकिन अब जितने भी मोबाइल हैं वो सेल्फ़ी कैम्स की फ्रंट कैम्स की तरफ भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई भी यूज़र्स हैं वो उनको सेल्फ़ी कैम फ्रंट कैम भी बहुत ज़्यादा इमेंसली यूज़ करना पड़ता है, बल्कि इवन मैं तो आजकल ये फील करने लग गया हूँ कि आपके रेयर कैम का जो यूजेज है वो थोड़ा सा कम हो गया है और आपके जो फ्रंट कैम का यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सेल्फ़ी कैम की बात करें तो इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का डुअल कैम मिल जाता है, कि जिसके अंदर आपका जो मेन कैमरा है दैट इज़ 32 मेगापिक्सल, और जो सेकेंडरी कैमरा है जो जिसको डेप्थ कैमरा भी कहते हैं या अल्ट्रा वाइड कैमरा भी कहते हैं तो वो है 8 मेगापिक्सल का, और सॉरी डेप्थ कैमरा कुछ और होता है दैट इज़ अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड का मतलब ये होता है जो आपके एंगल को थोड़ा सा वाइड कर देता होता है, और डेप्थ जो होता है वो उसकी जो है डेप्थ वगैरह को एनहेंस करता है, और मैक्रो जो है वो बिगर पिक्चर में उसको उसकी सारी जो चीज़ें वगैरह होती हैं उसको बैलेंस वगैरह कर रहा होता है। तो इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है दैट इज़ 8 मेगापिक्सल, जिसकी वजह से 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल उसकी जो क्वालिटी है कैमरे की वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। और ऑब्वियसली इसके अंदर एक AI है, तो आप कहीं अगर डार्कनेस में या कहीं पे भी अगर आप शूट कर रहे हैं तो वो AI ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करती है, अपनी पिक्चर्स को एनहेंस करती है, आपकी वीडियोज़ वगैरह को भी एनहेंस करती है। और इसी तरह आप अगर इसके मतलब बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसके अंदर लाउड स्पीकर दिया हुआ है, ऑडियो जैक नहीं है, जो कि थोड़ा सा एक इसका एक ड्रॉबैक फीचर है। इसके बाद इसकी जो कम्युनिकेशंस हैं वही जो WLAN होता है, GPS होता है, NFC होता है, और रेडियो जो है अभी तक इसमें अनस्पेसिफाइड है, बाकी USB का 2.0 का टाइप सी चार्जर है, और सेंसर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बाकी फ्लैगशिप्स की तरह जो है बेसिकली अंडर डिस्प्ले है, कि जैसे आप डिस्प्ले के अंदर आप अपना सेंसर या फिंगरप्रिंट जो थंब वगैरह है वो रजिस्टर करते हैं और आपको बैक पे या साइड पे या कहीं पे भी नहीं लगाना पड़ता, सिंपली आपको डिस्प्ले के ऊपर ही अपना फिंगरप्रिंट प्रेस करना पड़ता है और वो रिकॉग्नाइज कर देता है। उसके अंदर जो बैटरी है दैट इज़ लीपो, अभी ली आइन से बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल्स वगैरह ने और बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस ने हमारा शिफ्ट कर लिया है लीपो पे,
अभी जैसे कि अगर आप MI Note 10 Ultra देखें, MI 10 Ultra देखें, तो उसके अंदर सारी लिपो ही बैटरीज वगैरह आ रही हैं। इवन Samsung Note 20 Ultra में भी आपको लिपो बैटरी मिलती है, तो इसके अंदर भी आपको लिपो बैटरी मिलती है, दैट इज़ 4115 mAh, और अगर बात करें हम इसके अवेलेबिलिटी की, तो इस वक्त जो इसके मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड कराए गए हैं कलर्स, वो दो कलर्स हैं, और उनमें जो है आपको ब्लू मार्बल और ग्रे ऑनिक्स मिल जाता है। और जो इसकी परफॉर्मेंस के टेस्ट हैं, उसके अंदर इसने जो परफॉर्म किया है उसके, दैट इज़ 3,15,000 ऑन एंटूटू बेंचमार्क, और गीक एफएक्स पे इसका 7,844 स्कोर है, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंप्रेसिव है। और MI Note 10 Lite को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो इसके बाद GFX Bench पे अगर आप इसकी बात करें तो दैट इज़ 19 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो इसमें भी इन दोनों तीनों बेंचमार्क्स में इसने MI Note 10 Lite, Reno Pro और ये बाकी Realme वगैरह जितने भी हैं उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। बिकॉज अगर उनकी बात की जाए तो तकरीबन 2,15,000 तक आता है ज़्यादातर का, तो इसने 3,15,000 का एक एंटूटू का बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है। इवन Note 10 का भी जो है 2,50,000 समथिंग है, और इसी तरह जो उनका GFX बेंचमार्क है दैट इज़ 50 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी कि 50 फ्रेम्स पर सेकंड, और इसमें जो है 19 फ्रेम्स पर सेकंड है। और गीक बेंच तो वो उनका 6,000 के राउंड अबाउट, बल्कि 7,000 के राउंड अबाउट है, और इसका जो है 7,844, दैट मीन्स कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8,000। और बैटरी लाइफ एंड्योरेंस रेटिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो बेसिकली अब 100 आवर्स, हालांकि 4115 mAh की इसके अंदर बैटरी है, लेकिन उसका जो एंड्योरेंस रेटिंग है इस वक्त 100 आवर्स है। जिसका बेसिकली ये जो आपका चिपसेट इसके अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765, वो बाकी सारी डिवाइसेस जो इस रेंज की फ्लैगशिप्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि मी नोट 10 लाइट है उसमें 730G लगा हुआ है, इसी तरह ओप्पो है उसके अंदर भी थोड़ा सा इससे डाउनग्रेडेड वर्जन लगा हुआ है, तो इस वजह से इसकी जो बैटरी एनहेंसमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी। अब हम लास्टली इसकी बात करते हैं इसकी लुक्स की, कि इसकी लुक्स किस तरह की हैं और इसके बटन्स वगैरह की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है। बेसिकली ज़्यादातर लोग इस फीचर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मैं इस फीचर को इसलिए सबसे एंड में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि पहले आपको इसके जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो बताऊँ, और उसके बाद जो है हम आपको इसके जो है लुक्स वगैरह के बारे में बात करें। सबसे पहले इसके फ्रंट पे तो आपने वो हमें डिस्कस कर ही चुके हैं कि फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और डबल कैमरा मिलता है सामने सेल्फी के लिए, जिसे आप फ्रंट कैम मेन फ्रंट कैम कहते हैं। इसी के बाद अगर आप इसकी राइट साइड पे की बात करें तो राइट साइड पे आपको बेसिकली जो बटन्स वगैरह मिलते हैं उनकी अरेंजमेंट और मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। सबसे ऊपर आपको एक वाइब्रेशन और साइलेंट और जनरल मोड में स्विचिंग का बटन मिलता है, पावर बटन मिल जाता है। और इसके बैक पे आपको एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैम मिलता है, जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, 5 मेगापिक्सल का जो पेरिस्कोप या टेलीफोटो लेंस कहते हैं, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैम लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद साथ ही उसके आपको एक सिंगल LED फ्लैश है।
इसका अबव साइड है, उसके अंदर आपको एक नॉइज़ रिडक्शन माइक और इसके अंदर IR ब्लास्टर हमें इतना विजिबल नहीं नज़र आता, लेकिन इसका जो माइक्रोफोन है वो बहुत विजिबल नज़र आता। इसके बाद इसकी जो लोअर साइड है उस पर जो आपको नज़र आता है वो बेसिकली इसके स्पीकर की वेंट्स, और इसके स्पीकर की वेंट्स इतनी ओपन है कि ताकि आप इजीली कोई भी साउंड है उसकी बेस, उसकी ट्रेबल, उसका मतलब आप किसी भी जानरा में अगर सुनना चाह रहे हैं फोर्ड क्लासिक रॉक वगैरह, तो वो साउंड आपको खुल गया आता है क्लियरली और ज़बरदस्त किस्म का, और डिस्टिंग्विश्ड भी जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद इसमें टाइप सी है, दैट इज़ 2.0 रिवर्सेबल है, और साथ ही जो इसकी जो सिम ट्रे है वो बेसिकली इस वक्त इन्होंने नीचे की साइड पर रख दिया, और इसके अंदर डुअल सिम है, दोनों जो है सिम सेम टाइम चल सकती हैं, बट स्टिल आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो आपको एक सिम लगानी पड़ेगी, या फिर आप दो सिमें लगाएं और मेमोरी कार्ड ना लगाएं। ज़्यादातर जो है हम रिसेंटली हमने देखा है कि हम इतने फ़ोन्स की इतनी मेमोरी होती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सिम लगाने की। तो ये था इसकी स्पेक्स, ये थी इसकी लुक, आराम से ज़रूर आगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो या आपको इस काबिल लगूँ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।